उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मूंडा पांडे प्लाजा पर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत मुरादाबाद होते हुए लखीमपुर जा रहे थे, जहां राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए देश के राज्य गृह मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की और साथ ही 18 अक्टूबर को होने वाली पंचायत को लेकर के भी बयान दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को किसानों का शहादत का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। वहीं राकेश टिकैत ने इस दौरान प्रधानमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। बाकी स्टेट्स द्वारा निशाना साधते हुए कहा गया कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस बात का जिक्र जरूर होगा कि किस राजा के टाइम पर 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई थी। इसके जिम्मेदार राकेश टिकैत ने देश के प्रधानमंत्री को बताया है। उसका पिताजी जो 120 बी का मुलजिम है, देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा नहीं हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी और इस्तीफा दोनों अभी बाकी है और जब तक नहीं होगा जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम जाते हैं संघर्ष से समाधान की तरफ हम जाते हैं। सरकार समाधान से संघर्ष की तरफ आती है, यही दोनों में फर्क है। संघर्ष ही बढ़ रहा है ना सर, लगातार हम समाधान चाहते हैं उसका। हम समाधान चाहते हैं। लखीमपुर खीरी में संघर्ष और बढ़ सकता था, समाधान निकाल लो। सरकार समाधान से संघर्ष की तरफ जाती है, उसको चुनाव लड़ना है।